इस पेंडेमिक सिचुएशन में गर्म पानी का रोल सभी को पता है। अभी एक तो आर्टिकल में पढ़ने को मिला है कि चाय सही तरीके से ली जाए, फ्लेवोनाइड, उसमें थियोफाइलिन होते हैं जो हमारे इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। हमारे गैनोडर्मा युक्त ऋषि गैनो टी डिएक्शन ने बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा इस समय पॉपुलर हुई, हमने बहुत से अपने मरीजों को दिया है और बहुत ही लाभ कर रहा है। हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कचरे को निकालता है स्टूल के माध्यम से, बलगम के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, और हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने के साथ साथ हमें फ्लेवोनाइड और थियोफाइलिन देता है जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। ये बहुत अच्छा हो कि इसको हम शक्कर इसमें न डाल के गुड़ या शहद या हमारे ही कंपनी का बना हुआ विटामिन सी फ्रक्टोज का लेमनजी है जिसको एनओटी बनाने के बाद हम इसको 1 या 2 चम्मच इसको डाल के इसके साथ लेते हैं, हम शक्कर से भी बच जाएंगे। हमारा ये जो चाय है एल्कलाइन का एल्कलाइन ही बना रहेगा जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा।